हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फरहान वेट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पोल्ट्री ब्रायलर कंट्रोल शेड का विजिट करवाएंगे। आ जाएं। आपको विजिट करवाएंगे कंट्रोल रूम का, जहाँ से सारा जो इसको ऑटोमेटिक सिस्टम में स्टार्ट किया जाता है और इसको किस तरह रन किया जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल रखा गया है, इसका उसका टेम्परेचर यहाँ पे बताया जा रहा है और इसका ब्रूडिंग जो है इसका और सारे ह्यूमिडिटी इसमें बता रहे हैं। ठीक है, जो जितने फैन रन हैं सब इसमें जो है बताया जा रहा है। और सर, इसको अभी जो है किस तरह ऑटो सिस्टम में है, किस तरह याद करना है, ये मैनुअल अभी चल रहा है। ठीक है जी, अभी हम आपको जो है अंदर का विजिट करवाते हैं। इस तरह बाइक सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हुए ये अंदर का विजिट आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, वाटर लाइन और फिटिंग वाला, और इसी तरह ये ह्यूमिडिटी फैन लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए सारा जो भी है। ये जी 14 से 15 डेज का ये है हमारे पास चिक्स हैं, ठीक है जी। और इसी में ये वाटर वाला देखें, इनका वाटर सिस्टम और ये फिटिंग सिस्टम है इनका। फीड ऊपर से आ रही है, हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे ऊपर से फीड जहाँ से आ रही है और वाटर का सप्लाई का सारा सिस्टम जो है। आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे, ये मेल आ गए, ठीक है। यहाँ से फीड जो है मेल आ रहा है इसमें फीड, यहाँ से पहले इसकी फीड आएगी, इसकी फीड है, इसके अंदर दिखाएं इनको। ये अंदर छोटे वर्मर लगे हुए हैं और ये वर्मर जो है इनको यहाँ से फीड पहुँचाने के लिए आगे ऑटो सिस्टम पे ये जाएगा आगे। और इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है वाटर वाला सिस्टम लगा हुआ है आगे, ठीक है जी। मीटर सीजन में देखें हम इसको ना प्रोड्यूस सिस्टम में चलाया जाता है और ये देखें इसमें एयर प्रेशर का और मतलब इसमें यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं हमने, ये देखें इसमें लगा हुआ है यहाँ से इतना मतलब इसको मीटर के हिसाब में यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो ये यूज़ नहीं होता। ये चीज़ जो है इन्हें जो है ना अलग अलग सेपरेट करने के लिए ये पोर्शन बनाए गए हैं, अलग से सब पे जो भी है इनके जो पार्टीशन की जाती है अलग अलग से बनाए गए हैं। ये हम आपको बताते हैं जो पैड्स लगे हुए हैं समर सीजन में जो भी है इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो पैड्स लगाए जाते हैं वो इस तरीके से चलेंगे और ऑटो अभी देखिए ये फिल्टर है तो इसीलिए इनको बंद किया गया है और आपने इनको ब्रूडी वाला सिस्टम जो है वो चला रखा है। और जो है ब्रूडिंग ढक है, ये देखें आप लोग सारा इधर आगे तक इसको जो है रन किया हुआ है, सारा ये सिस्टम में चल रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह आप देख सकते हैं ये पैड सिस्टम जितना भी है इसमें पैड सिस्टम को ऑफ किया गया है क्योंकि ये यूज़ होता है समर में और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है, तो इसलिए इसको ऑफ किया गया हुआ है, ठीक है जी। ये देखें 14 से 15 डेज़ के जिस तरह मैंने आपको चिक्स बताए हैं और इसी के लिए इसके साथ साथ जो है इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई है क्योंकि एज के हिसाब से जिस तरह ये एज इनकी ज़्यादा होती जाती है तो फिर इनको स्पेस का जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होता है, मुख्तलिफ इनके एज के हिसाब से हम इनको स्पेस देते हैं। और इसी तरीके से सारा सिस्टम जो है अभी इनको ये इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए इसको यहाँ से क्लोज किया गया है और इसी तरह ये पोर्शन बना हुआ है और पोर्शन इस तरह अलग से अलहदा से खोलेंगे और इसको ओपन कर दिया जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पर ब्रूडी अभी रनिंग में है क्योंकि अभी हमारे पास विंटर सीजन है तो इसी वजह से ऑटो सिस्टम पे। अच्छा, ये जो हमारे पास अभी कंट्रोल शेड पोल्ट्री है इसका तो अपना इसमें 50 फुट चौड़ाई रखी गई है इसमें और 450 फुट की जो है इसकी लंबाई की लेंथ है इसकी, आप देख सकते हैं इसकी 450 लेंथ है और इसमें वाटर के चार इस तरह मुख्तलिफ प्रोसेस में लगाए गए हैं, चार वाटर वाले हैं और फीड वाले भी जो तीन पोर्शन बनाए गए हैं फीड के लिए,
और ऑटो सिस्टम में पानी आप देख सकते हैं इस तरह से पानी का जो भी आएगा इसमें पानी इस तरह पीने के लिए चूजे को नीड जब होती है वो पानी यूज़ करेगा तो इस तरह पानी ये यहाँ से आ जाएगा। और फीडर फ्री ऑफ जिस तरह भी है इसमें फीड जो भी अपना चूजे अपना फ्री खा सकते हैं इसमें अपने लेवड़ों के हिसाब से। ये वेंटिलेशन का सिस्टम है इसमें और ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे और इसमें साइड फैन भी इस तरह हैं, कमी पेश में जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये भी यूज़ किए जाते हैं। मेरे साथ सुपरवाइज़र इम्तियाज़ भाई मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे इनके बारे में ये क्या चीज़ है थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। निप्पल है, निप्पल है। ठीक है, चूजा पानी पीता है, ये देखो पानी पीने के लिए ये लग गया चूजा, पानी पीने शुरू हो गया। ठीक हो गया जी, सही है, ये खुद ब खुद ही पीता है, उसको चूज मारेगा तो खुद ब खुद ही पानी निकलेगा। ठीक हो गया, और हमें थोड़ा फीड के बारे में भी बता दें आ जाए जी। ये सही फी स्टोर है जिसको फी स्टोर बोलते हैं ना, फी स्टार जिसमें होते हैं वहाँ से हम लोग फीड डालते हैं, ये फीड इधर आती है, इसमें लगा हुआ है आगर, आगर जिसको हम लोग स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप होता है। ठीक हो गया जी, वो मोटर इसको जो है ना ये घुमाती है इसमें वहाँ के। ठीक है, व्यूअर जी यहाँ देखें बाहर फीड डालते हैं हम लोग तोड़े में, तोड़े उधर में पड़े में ये वाप लेके आता है अंदर, ये सेंसर लगा हुआ है जो इसको कंट्रोल करता है, जब ये भरेगा ये बंद कर देगा। ये देखें अभी सेंसर अभी इनका लगा हुआ जो भाई हमें बता रहे हैं और बंद कर देगा खुद खुद ही, खुद ऑटो पे है तो सेंसर के। ठीक है जी, यहाँ पे फीड स्टोर होगी और आगे इससे और चलता जाएगा ये। अभी हमें भाई बताएंगे अभी कौन सी फीड बर्तन है पापा इसमें फीड आती है। ठीक है, यहाँ से चूजे फीड खाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है ना स्प्रिंग है उसको आगर बोलते हैं हम लोग, आगर होता है स्प्रिंग, वो इसकी भी साइड पे मोटर लगी हुई है, ये घूमता है अंदर और अंदर फीड आती है इसमें। ठीक हो गया, और अपने हिसाब से जितनी फीड खाना चाहें खा सकते हैं, खा सकते हैं जितनी खाएं, इनके बनती है ना फीड है इनके मियार से। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटलिटी के हिसाब से और थोड़ा कमी पेशी में जो डल हो जाते हैं कोई मतलब इनको डायग्नोज करने के लिए इनको जो है अलग कर दिया जाता है, सेपरेट एक पोर्शन बनाया गया, ये आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल ये सेपरेट हैं और इनका एक अलग से ही एक बनाया जाता है क्योंकि इनको देखने करने के लिए जो भी इनकी मोर्टिलिटी का अगर हम कह सकते हैं इस तरह इसमें मोर्टिलिटी जो है वो रखी जाती है। अच्छा, ये हम आपको दिखा रहे हैं ये बेलचा जिस तरह है रैकर इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये इसके अंदर ही। हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं ये कौन फैन इसमें लगाए गए हैं जिस तरह, तो अभी विंटर होने की वजह सिर्फ एक ही रन में है तो बाकी ये जिस तरह देख सकते हैं आप क्लोज हैं, और अगर समर सीज़न होता है तो ये मोस्टली जो है सभी इनको जो ऑटो सिस्टम पे रन हो जाते हैं, तो अभी देख सकते हैं आप एक रन में है और इसमें कौन फैन जो है वो लगे हुए हैं हमारे पास। एक पार्क बनाया गया है जिसमें इनको कवर करें कैमरे के साथ, यहाँ पर जो हम मीटिंग वगैरह जो भी है शाम के टाइम में थोड़ा इधर बैठ के गैदरिंग और जो भी तरीक़ेकार होता है इसमें बैठा जाता है, और इधर आपको हम साथ में ये बाहर की तरफ से हम आपको कौन फ़ैन जिस तरह मैंने बताया था आपको, और ये हम आपको कौन फ़ैन की तरफ लेके जा रहे हैं और आउटर व्यू हम दे रहे हैं आप, हम जो है ना इनको आउटर व्यू देख सकते हैं आप इस तरह से, ये जो फ़ैन लगे हुए हैं खड़ा तो नहीं हुआ जा सकता है, क्या है कि फिर भी थोड़ा आपको हम दिखाने के लिए कि जो है इसमें आ रही है कि कौन फ़ैन है ये हमारे, इनको ह्यूमिडिटी और इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए सबसे मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं हमारे, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जी। हम आपको जो है ना इनके मिलाते हैं भाई से जो सारा मैनेजमेंट करते हैं और इनके बारे में बताएंगे। भाई आप अलैकुम जी, हमें बताएं ये फीड का और टेम्परेचर किस तरह आप मेंटेन करते हैं थोड़ा फीड के बारे में। टेम्परेचर है ना भाई जान, जो है ये हम लोग जब चूजा आता है ना पहले दिन चूजे का टेम्परेचर जो पहले दिन है वो मैक्सिमम होता है 33 है, 33 होता है। ठीक है, और जो नमी है वो होती है 45 है, 45 ठीक है, 45 से 50 हो जाती है। ठीक है, और जब ये 5 दिन में मसलन दो पॉइंट डेली का गिरता है, दो पॉइंट डेली का गिरता है सही, ठीक है, दो पॉइंट के हिसाब से अभी 10 पॉइंट में 1 डिग्री बनता है। ठीक है, 5 दिन में 1 डिग्री गिराते हैं हम लोग टेम्परेचर। ठीक है, जो मेंटेन रखते हैं मसलन 5 दिन के बाद हमारा 25 हो जाता है, ठीक है, 10 दिन के बाद हमारा 31 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हम टेम्परेचर गिराते रहते हैं। ठीक है, इसको टेम्परेचर उस तरह मेंटेन करते हैं, और जो फीड है
फीड हम लोग पहले हफ्ते में चूज़े को देते हैं 5 के दिए से, ठीक है, 5 के हिसाब से फीड देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है ना उसको 5 2 हफ्ते फीड देते हैं। पैलेट्स और क्लम्बल वगैरह ये अलग अलग से होता है इनका जो है मेज, थोड़ा सा पाउडर फार्म में पाउडर जो होता है वो अलग होता है ना, वो तो डालते हैं हम लोग, अगर हल्का फुल्का बुखार होता है चूज़े को वो डालते हैं हम लोग, फेबराज और वगैरह डालते हैं, ठीक है, और हफ्ते के बाद टॉक्सिन मेट्रिक वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है, और 14 दिन के बाद फिर उसको हम ग्रोथ प्रमोटर हो गया, ठीक है, मसलन PSB100 हो गया, ठीक है, बस ग्रोथ प्रमोटर कोई भी हो हम लोग ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये थे हमारे इम्तियाज़ भाई और इनके साथ इन्होंने बताया हमें फीड के बारे में और जो है भी सिस्टम किस तरह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, तो इसी के साथ हम इजाज़त जाते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।